बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और मैं उत्तराम लोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडगार्ड पीपल्स वॉइस। मैंने वैसा आपको कहा है कि बहुजन समाज के लिए बहुत दुविधा की बात है, जब उन पर अत्याचार होते हैं तो उनके नेता भी चुप्पी साट लेते हैं, जो सेलो टेप होती है वो मुंह पर लगा लेते हैं, ताला जुबान पे लगा लेते हैं, और उनके जो दलित भाई बंधु होते हैं उन पर अत्याचार के समय कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। मामला सामने आ रहा है बिहार का। बिहार के अंदर पिछले कई दिनों से देखने की कोशिश करें तो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, और उन मामलों में आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उनके द्वारा आवाज भी उठाई जाती है, बात की जाती है। लेकिन वहां पर मैंने हमेशा से कहा है कि जब वीडियो हमेशा इस तरीके से होता है कि अगर दलितों पर अत्याचार करने वाले कोई ब्राह्मण या सर्वण समाज से होते तो घटनाक्रम पर काफी ज्यादा विवाद होता है, लेकिन मारने वाला कोई और होता है तब उन मामलों में चुप्पी साध ली जाती है। और यह मामला जो सामने आया वो बिहार का है। बिहार में यादवों ने दलितों के घर को जला दिया है, और यह जो घटनाक्रम है वो खुद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लोक विधानसभा क्षेत्र रांधोपुर का है, जहां के जिला वैशाली लगता है, वहां की यह घटना है। और इस घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ और किस तरीके की पूरा घटना आप खुद गांव वालों से सुनिए। ग्राम मल्लिकपुर थाना राघोपुर जिला वैशाली और मल्लिकपुर पंचायत में आज 8 वार्ड में हम लोग निवास करते हैं। हम लोग अल्पसंख्यक के निवासी माने कम संख्या में, और चारों ओर से हम लोग यादव से घिरे हुए हैं। ये यादव लोग कुछ हम लोग के साथ जातीय विभेद पैदा किए हुए हैं, और शुरू से हमने देख रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व के कारण यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी भी यादव है, और अंचलाधिकारी भी यादव है, थाना प्रभारी भी यादव है, और यहाँ पर हम लोग के साथ जो अत्याचार किया है वो भी यादव है। हम लोग घेरे हुए हैं, हमारा परिवार माँ बहन सामने हुई है, कब क्या होगा, इसको इज्जत लूट ली जाएगी ये पता नहीं। हम लोग बड़ी डरे हुए हैं, और सरकार कोई मदद नहीं करती है, हम लोग क्या करें, आत्महत्या करने के अलावे हमारा कोई विकल्प नहीं है। हम सरकार से चाहते हैं, रामविलास पासवान भी हम लोग के नेतृत्व करते हैं, लेकिन वो भी गरीब लोग के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और वो ताम झाम बड़े लोग के अनुकरण करने लगते हैं और बड़े लोग के ही मदद करते हैं। जैसे कोई भी राजपूत जाति में घटना घटती है तो तुरंत चले जाते हैं, भोज में जाते हैं, हम लोग भोज पर बुलाते हैं वो भी नहीं आते हैं, हम लोग जाए तो कहाँ जाए। इसलिए सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि जो घटना घटी हम लोग के 25-30 घर जला दिया गया, अब अंचला अधिकारी कहते हैं कि इसमें चूल्हा नहीं है, बथान है माल जाल के रहने के लिए। हम पूछना चाहते हैं कि हमारा गेहूं जो दूसरे मन जल गया क्या अपने से जला दिए, हमारा मशीन जो जल गया ये 2-3 लाख के जो जिससे हम कमाते थे टायर वगैरह के मरम्मत करके वो जला दिए। कहता है सब यादव लोग कि अपने से जलाया, अपने से आग लगाया, क्या ये सरकार परे स्पॉट वेरिफिकेशन करके हमारा न्याय दे, और नहीं तो हम आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाएंगे, इसलिए हमारा इज्जत नहीं रहेगा तो हम बच के क्या करेंगे। अपना नाम बताएं। हमारा नाम प्रेम भक्त है, हम जो है सो 70-65 वर्ष के उम्र हो चला है, हम रोग से ग्रसित है, हम क्या करें, हम कहाँ जाए। पहले भी हम कुछ समाज सेवा करते थे, लेकिन अब जो है सो हम लचा नहीं, 50-60 बच्चे होंगे और 50-60 मर्द होंगे, 50-60 औरतें होगी, ये सब जो है जो मजदूर क्लास की है, कई करौनी करती है, कई कोई बोरा ढोता है, बूढ़ पुरनिया के हम लोग के खिला के इस तरह से, और पुलिस 18 गो के एक तरफ जो है सो मुद्दा ले किया है, एक तरफ 10 गो की किया है, एक तरफ 20 गो की किया है, हम पर झूठा इल्जाम लगा के और कहता है कि राइफल छीनने के लिए कोशिश किया, तब वर्दी फाड़ दिया, तब मारपीट किया, क्या ये उचित है या गैर उचित है, ये सब जो है सो बड़े लोग के साजिश के तहत आ करके हम पर लांछना लाद के और हम लोग के अरेस्ट करके हमारा परिवार के साथ अत्याचार करना चाहता है कि मर्द लोग के पकड़ के भेज दो, इसके औरत सबके साथ छेड़खानी करने में मदद।